न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश भर में हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतला दहन से तिलमिलाई कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी राजधानी स्थित टीटी नगर थाने में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा द्वारा निकाले गए पत्र के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे। गौरतलब हो कि 24 विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरोध को लेकर भाजपा कार्यालय से पत्र जारी किया गया, जिसके बाद जगह जगह पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान चीन के दलाल कमलनाथ देश का गद्दार के नारे लगाए। भाजपा का आरोप है कि कमलनाथ द्वारा चीन से माल के आयात शुल्क पर भारी कटौती करके भारतीय कुटीर लघु उद्योगों और व्यापार को चौपट करने का अपराध कमलनाथ द्वारा किया गया। इस अपराध के किए जाने पर पुतला दहन कर नारेबाजी किया गया। इस तरह से सत्येंद्र सिंह जो संगठन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, पूरे उनके कार्यकर्ताओं को मंडल और राज्य में छुट्टी दी है। उसमें कमलनाथ जी को जिस तरह से उनने कहा है, चीन में लिखा है कि गद्दार और चीन से वो किया समझौता दंतफान बातें जो लोग कहते आ रहे हैं, वो FIR हमने यहाँ TI साहब और CSP साहब को लिख के दिया है कि इसमें FIR करें कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दे, किस तरह से एक ये कहा जा सकता है। और ये लोग आज की तारीख में अगर कोई गद्दार रहा है तो झांसी 1857 ने गद्दारी की वो गद्दार हैं, या जो अंग्रेज़ों से मिले महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है उसमें ये भारतीय जनता पार्टी संघ आरएसएस ये सब अंग्रेजों के साथ थे, तो गद्दार ये हुए। और इसलिए आज हमने ये कंप्लेंट की है और FIR की हम मांग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये इस पर न्याय होगा और उनके खिलाफ़ जिनने इस तरह के शब्द और पुतले जलाने की एक एक को करना है। पुतला जलाना ठीक है, प्रजातंत्र में ये होता है, लेकिन उसकी चिट्ठी लिखकर ये आज तक हमने नहीं सुना। हम लोग उन्होंने बहुत से प्रदर्शन किए कांग्रेस पार्टी ने पिछले पता था, लेकिन ये कहा जाता है कि विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुतला जलाओ ये बातें कभी आती नहीं प्रमाणिक। लेकिन वो भी उन्होंने लिखित में भेजा है अपने कार्यकर्ताओं को। और चीन से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, आज जो मुद्दे हैं ये नहीं है। आज मध्य प्रदेश में मुद्दा है 24 जगह विधानसभा के चुनाव होने वाले, और इन जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई। कोरोना में फेल हुई, आज डीजल पेट्रोल के भाव रोज़ बढ़ा रहे हैं। आज 21वां दिन है, जो डीजल पेट्रोल 16 और 20 रुपये में मिलना चाहिए वो आज 80 रुपये से ऊपर में मिल रहा है। बिजली के बिल बढ़ा दिए। कोरोना काल में यहाँ लोग 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए। किसानों को उनके ऋण माफ़ी नहीं कर रहे हैं, किसानों को जो अनाज का पैसा है वो नहीं मिला, फिक्स चार्जेस बिजली के लिए जा रहे हैं, ट्यूशन फी ली जा रही है, सब चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं आज। लेकिन इन मुद्दों से लोगों को हटाने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए सबूत छोड़ रही है, और इसका पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग विरोध करेंगे। और जो चिट्ठी लिखी है अभी उसको भी हम यहाँ पर जलाएंगे थाने।